सुंदर राखी है, लेकिन सिर्फ एक ही क्यों? डोलू के लिए। क्यों, मयंक के लिए नहीं बनाई? हम बना रहे थे लेकिन हमने बीच में ही छोड़ दिया। ये सोचकर कि भैया हमसे कितने नाराज हैं, पता नहीं हमसे राखी बनवाएंगे कि भी नहीं। कैसे नहीं बनवाएंगे, तुम तो मयंक की छोटी बहन हो ना, और वो भी एकदम छोटी सी लाडली सी बहन। आई प्रॉमिस रचना, इस साल की राखी भी हम उतनी ही धूमधाम से बनाएंगे जितनी हर साल मनाते हैं। इनफैक्ट ये साल राखी ज्यादा खास होगी, इसीलिए इस राखी को ना तुम कंप्लीट करना, और जितने मन से शुरू की थी ना उतने ही मन से खत्म करना। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। क्या आप दोनों की फाइट खत्म हो गई? नहीं। हाँ। एक हाँ बोल रही है और एक ना बोल रही है। हमें तो जरूर दाल में कुछ काला लगता है। बताओ बताओ क्या बात है, नहीं तो हम बोल लेंगे। डोलू, बात यह है कि तुम्हारी रचना दीदी और मैं बहुत ट्राई कर रहे हैं कि घर के सारे लोग ना वापस से एक हो जाए। उसके लिए ना हम एक छोटा सा गेम खेल रहे हैं जिसमें सबको लगेगा कि हम दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन सच में हम दोनों फ्रेंड्स हैं। समझे? ओ, ये बात है। वही हमें लग रहा था कि हमारी दीदी आपस में कभी फाइट कर ही नहीं सकती हैं। लेकिन डोलू, ये हम दोनों का ना टॉप सीक्रेट है, इसलिए किसी को भी कुछ मत बताना। ओके? हाँ ओके ओके। अच्छा रचना दीदी, अब हमारी बात सुनिए। कल हमारी स्कूल से छुट्टी है और टीचर ने कहा है कि परसों सबको राखी बंधवा कर आना है मैडम को दिखाने के लिए, और हम चाहते हैं कि हमें यहाँ तक राखी बंधी हुई होनी चाहिए। हाँ डोलू मास्टर, पक्का। कुंजन भैया, हमसे राखी बनवाने के लिए मान तो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स रचना, तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, जस्ट बी पॉजिटिव। एंड डोलू, मैं अगर गया भी ना तो वापिस आ जाऊंगा जब तक तुम मुझसे बात नहीं कर लेती। रचना, ऐसा क्यों कर रही हो अपने और मेरे साथ? भूलो रचना। रचना ये रखो। यार हमने कहा ना हमें नहीं चाहिए, तुम जाओ। नहीं रचना, तुम्हें इसे रखना ही होगा। तुम मुझसे मिलने से मना कर रही हो, कम से कम ये फोन तो रख लो। तुम्हारी आवाज सुनने का मन करेगा तो मैं वो तो रखो इसे।
रखो इसे रचना। फियान, प्लीज हमारी मजबूरी समझने की कोशिश तो करो। घर में इतना सब कुछ हो गया और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ हमें। मम्मी पापा यहाँ तक कि सारे घर वाले ये चाहते हैं कि तुम मुझसे नहीं मिला, राइट? व्यान, तुम जाओ ना यहाँ से, प्लीज। नहीं रचना, नहीं सुनो, अब तो मैं चेंज हो चुका हूँ, ये तुम भी जानती हो, तो फिर तुम्हारे घर वालों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? व्यान, हम तुम्हें सब कुछ बाद में बता देंगे, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज। ताई जी, अगर जरूरत पड़ेगी तो रचना को अस्पताल भी ले जाएंगे। मेरे होते हुए रचना को कुछ नहीं हो सकता, रचना को कुछ नहीं हो सकता। भैया, ये इतना दूधा रह जाएगा अगर हमने आपको राखी नहीं बांधी। रचना, ज्यादा सोचो मत, ऐसे भाई बड़े नसीब से मिलते हैं, जाकर राखी बांधो। रचना, अपना कर्तव्य निभाओ, जाओ रचना, जाओ। कहाँ जा रही थी? मयंक को राखी बांधने? किस हक से? अरे जिस भाई की नौकरी छीन ली है, अब उसे राखी बांधने का मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि मयंक भूल गया होगा? उसने तुम्हें माफ कर दिया होगा? वो कभी माफ नहीं करेगा। रचना, अपने कमरे में जा। ये साड़ी किसने भेजी है और वो भी आपके लिए? हमें बिना पूछे ही तुमने खोल दिया ना पर्स। ये हमने शैल भाभी के लिए मंगवाया था। अरे राखी है ना, इसलिए। हम चलते हैं। रुकिए, त्योहार के दिन ऐसे खाली पेट मत जाइए। हम आपके लिए नाश्ते में कुछ बनाते हैं। रहने तो सीमा, इतने सालों से हम राखी के दिन भाभी के हाथों की बनी हलवा पूरी खाते आए हैं, आज कुछ और कैसे खा सकते हैं हम? मैं समझ सकती हूँ मयंक, इतने सालों में कभी भी राखी पर तुम्हारी कलाई बिना राखी के नहीं रही है। तो क्या हुआ अगर रचना इस साल तुम्हें राखी नहीं बांधेगी, या अगर पीहू दीदी तुम्हारे इमोशंस को समझ नहीं पाई तो? अगर रचना तुम्हारे पास नहीं आ रही है तो तुम तो रचना के पास जा सकते हो ना। एक भाई का हक एक बहन से मांगा जा सकता है, नहीं? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।